पाकिस्तान में इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने वीजा के लिए आवेदन कर दिया है। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है और उसको ही फैसला लेना है कि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में जाने दिया जाए या नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू को क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। शपथ ग्रहण समारोह 18 अगस्त को होना है। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने माना है कि उसे सिद्धू की ओर से वीजा के लिए आवेदन किए जाने का अनुरोध प्राप्त हो गया है। उनके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान 18 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस खास दिन के लिए उन्होंने कई दिग्गज हस्तियों समेत भारत के 3 पूर्व क्रिकेटरों सुनील गावस्कर, कपिल देव और सिद्धू और आमिर खान को निमंत्रित किया है। हालांकि गावस्कर ने व्यस्तता का हवाला देते हुए शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होने की बात बता दी है। आपको बता दें, इमरान खान ने 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव और सिद्धू को भी न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू के वीजा आवेदन के बाद भारत सरकार की ओर से क्या फरमान आता है। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच ना तो राजनीतिक संबंध रह गए हैं और अगर क्रिकेटर के तौर पर नवजोत पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वो भी बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट संबंध भी कई साल पहले खत्म हो चुके हैं और भारत पाकिस्तान अब कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलते। तो आखिर सिद्धू क्या पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान से अपनी दोस्ती निभाने जा रहे हैं? क्या सिद्धू के लिए देश से बड़ी इमरान खान की दोस्ती है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।